रियली आई एम आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड ये पहला मेरा डेब्यू हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जज परमानेंट जज एज ए परमानेंट जज तो करूँगा एंड बहुत एक्साइटमेंट है इससे पहले तो इंस्टॉलमेंट में बहुत बार आए लेकिन इस बार परमानेंट हो रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड बाकी हमारे पैनल जो है ये भी बहुत मज़ेदार है तो सारे मिला के बहुत इंटरटेन होने वाला है देखिए बतौर कम्पोज़र जैसा मैं हर बार कहता हूँ मेरे लिए नए सिंगर ढूँढना नई आवाज़ें सुनना ये रोज़ का काम है यहाँ पे जो है वो सबसे बेहतरीन नई आवाज़ें आती हैं इंडियन आइडल एक ऐसा मंच है जो कि देश के कोने कोने से सुपरलेटिव टैलेंट को ड्रा करता है मतलब लोग जिनके आँखों में बड़े सपने होते हैं वो इस मंच को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं और इस बार शानुदा का होना श्रेया का होना तो और भी मतलब ये बात मैग्नीफाई हो चुकी है कि मतलब इंडियन आइडल में जाएंगे तो बहुत बड़ी सीख मिलेगी बहुत बड़ा सा एक रास्ता मिलेगा आगे जाने का इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग और जेन्यूनली जो टैलेंट आई है इस बार उसको मतलब हर शो के प्रमोशन में हर जज बोलते हैं कि टैलेंट बहुत अच्छा है हमारा इस बार आप देखोगे तो चौंक जाओगे ये मेरी गारंटी है हमारे लिए तो आ, मतलब बाद की बात तो छोड़ दीजिए ऑडिशन में जो पहले हम तीस चालीस पचास तक जाते हैं फिर वहाँ से अगर बीस या पंद्रह तक जाना होता है वहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल इस बार डिस्कशन कितनी चार घंटे की डिस्कशन हुई है कि मतलब किसको सिलेक्ट किया जाए किसको ना बिकॉज सब में अपना अपना तरीका अलग है सब में हुनर अपना अपना है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब देखिए मैं तो मैं जिंदगी भर फीलिंग्स का खाया आप बोल सकते हो कि मेरे गाने में इमोशन होता है फीलिंग्स होता है रोमांस होता है तो वही सब चीज़ हम ढूंढेंगे उसमें भी एंड साथ साथ में ये भी देखेंगे कि उसका बेसिक कितना तगड़ा है बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ देखना पड़ेगा उसका तलफूज ठीक है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा बहुत सारे जज जजमेंट में बहुत सारे चीज़ें होता है ये लोग अच्छी तरह से ये बता सकते हैं विशाल क्योंकि इज़ अ कंपोजर एंड सिंगर मैं जब मुझे सिंगर में कुछ ढूंढना होता है मैं जजेस की तरफ देखता हूँ जब वो लोग गा रहे होते हैं मैं सिंगर की तरफ नहीं देखता मैं जजेस की तरफ देखता हूँ इन लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत बार जाके मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ फिर वहाँ जाके वो लोग उसका एकदम धर्जी वाला जाते तो अब मैंने वो करना बंद करती है अब मैं सबसे पहले देखता हूँ मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है उनको मज़ा आ रहा है तब जाके मैं वहाँ आगे जाता हूँ और फिर तारीफ करता हूँ बट नो अदरवाइज इट्स द कॉन्फिडेंस हाउ आई नो जो वो लोग लेकर आते हैं और आज आजकल तो हम लोग उनको देखकर ऐसा लगता है कि यार कि यार ये कॉन्फिडेंस ये लोग कहाँ से लाते हैं दोस्त मतलब पहले दिन से ही जिस तरह से स्टेज पे खड़े होके वो लोग ऐसे गाते हैं जैसे वो बहुत बड़े रॉक स्टार हैं और है भी देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि वो लोग नहीं है मतलब ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से ये आदमी और ग्रोथ करके कहाँ ही जाएगा और वो फिर भी उसके बाद भी वो आपको वो ग्रोथ उन सब में दिखता है एंड वही आपको इस सीजन में भी दिखेगा भार <laughs> नहीं मतलब वो आठ साल मैंने उसके अंदर वन वह बहानी गुजारी है देखने के लिए कि भैया क्या फ़र्क होने वाला है या क्या फ़र्क आ गया है यू नो मेरे ख्याल से द टैलेंट जस्ट गेट्स बेटर एवरी ईयर जैसा भी विशाल सर ने भी कहा यहाँ पर इन्हों यह कि हर बार हर जज यही कहता है लेकिन आइडल का फोर्टीन सीजन है और हर साल हमें भी लगता है यार अगले सीजन में क्या लोग उतने ही अच्छे सिंगर आएंगे उससे और बेहतर निकल के आते हैं एवरी ईयर इट हैज़ बीन हैपनिंग एंड दिस ईयर इज नो डिफरेंट सात अक्टूबर से शुरू हो रहा है शाम को आठ बजे एवरी सैटरडे संडे सोनी टी पे एक आवाज़ लाखों एहसास का सबसे बड़ा त्योहार इंडियन आइडल